आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन के सॉल्यूशन ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट इन वाटर इज कैसा होता है? तो सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट सल्फाइड ओके सल्फेट का होता है Al2SO4 होल थ्राइस, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, पानी में मिलाऊंगा H2O जो कि लिक्विड फॉर्म है, तो मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा Al3+ SO4 2-, क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 सल्फेट का था तो 3 सल्फेट आयंस बन जाएंगे। तो ये कुछ ऐसी रिएक्शन बनती है। सो सॉल्यूशन इन वाटर इसका एक्चुअली इट इज नॉट एक्चुअली प्योरली क्लियर, दिखता नहीं है हमको कुछ ना, ड्यू टू क्योंकि ऐसी कैसी रिएक्शन है, सिंगल रिएक्टेंट, मतलब एक रिएक्टेंट था उस पानी में, उसको डिजोल्व किया, कुछ नहीं किया मैंने, सिंगल रिएक्टेंट है एक्चुअली, सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। ये क्या है, प्रोडक्ट्स ही तो हैं और ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। तो एक प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट्स में जाके टूट रहा है, तो मतलब इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इट इज नॉट ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके, तो मैं लिख सकता हूं सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इन वाटर इज नॉट क्लियर। ओके, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।